नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है रेलवे विभाग की ओर से। जी हां दोस्तों, अगर आप बिहार में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि नई दिल्ली से अब ट्रेन खुलने वाली है। और ये ट्रेन कहाँ पर जाएगी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो 17 मई तक पूरे भारत देश में लॉकडाउन जारी है, उसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील किया था कि हमारे राज्य के जितने भी प्रवासी मजदूर शहर में फंसे हुए हैं उनके लिए ट्रेन स्पेशल चलाई जाए, और इनके लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाई जाए ताकि जल्द से जल्द वो घर पे पहुंच सकें। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उनकी अपील को सुन लिया है और जल्द से जल्द बिहार के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं अब अपने घर पे जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाई जा रही है। और ये जो ट्रेन आजकल में खुलने वाली है, जी हाँ, आपको बता दें कि जो सबसे पहले ट्रेन चलाया गया था मध्य प्रदेश से चलाया गया था, और उसमें 1200 प्रवासी मजदूर अपने घर पर पहुँच चुके हैं। और ये जो ट्रेन दूसरी खुलने वाली है नई दिल्ली से खुलने वाली है, और दोस्तों ये जो ट्रेन जाएगी मुजफ्फरपुर बिहार में जाएगी। तो अगर आप भी बिहार के निवासी हैं या बिहार के किसी भी जिले से हो तो आप उस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये नई दिल्ली से ट्रेन खुलने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस ट्रेन में 1200 प्रवासी मजदूर यात्रा करेंगे। अगर आप भी दिल्ली में फंसे हुए हैं तो आप अपने घर पे आ सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके अपने नोडल ऑफिसर से बात करें, वहां पे जाएं, टिकट बुक कराएं, आप अपने घर पे आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि एक बार में सिर्फ 1200 लोगों की यात्रा हो रही है, और उसके बाद में जो लोग आएंगे उसका सीट फुल हो जाएगा, उसके बाद में उनको अगली ट्रेन में भेजा जाएगा। तो आप जल्दी करें, इसके वजह से आप जल्दी आ सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी खबरें आए आपको तुरंत मिले। जय हिंद, जय भारत।